Hey guys, welcome back to my channel, Your Steady Cooks. मैं हूँ आपकी अपनी RBG रोहिणी भगत गुप्ता. चलिए आज बनाते हैं two types of chicken popcorn. यहाँ पर लिया है मैंने boneless chicken, two eggs, oregano, salt, red chili flakes, lemon, कश्मीरी लाल मिर्च, धना powder, black pepper powder, हल्दी. एंड दिस इज ऑप्शनल तंदूरी मसाला. ओके, तो हमने गेहूं के आटे को मैदे के आटे से रिप्लेस किया है, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ गेहूं का आटा. एंड यहाँ पर है ओट्स और यहाँ पर है कच्चा कॉर्नफ्लेक यानी कि रॉ कॉर्नफ्लेक. तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है जिसको मैंने पॉपकॉर्न साइज में कट कर लिया है. अब इसमें ऐड करेंगे हमारे सारे ड्राइड पाउडर इन्ग्रीडियंट्स. फर्स्ट ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, धना पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो. ये ऑप्शनल है तंदूरी मसाला, ये आप पर डिपेंड करता है आपको ऐड करना है या नहीं. थोड़ी सी हल्दी, ब्लैक पेपर पाउडर एंड स्क्वीज लेमन, अच्छे से एकदम बढ़िया से. सॉल्ट, इसे अच्छे से मिक्स करना है. थोड़े हैंड्स मैसी होंगे, नो इशू. हर एक चिकन के पीस को अच्छे से मसाला लग जाना चाहिए. चिकन के एक एक पीस को अच्छे से मसाला लग चुका है. अब इसे एटलीस्ट हाफ एन आवर हम मैरिनेट करेंगे. तो फ्रिज में आपको रखना तो फ्रिज में रखिए, या फिर आप फ्रिज के बाहर ही इसे एक क्लॉथ से ढककर मैरिनेट कर दीजिए. तो मैं टू टाइप्स के चिकन पॉपकॉर्न इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ एक हमारा नॉर्मल जो कॉर्नफ्लेक से कोटेड होता है, एंड एक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे विद द ओट्स. चलिए तो सबसे पहले हमारे जो कच्चे कॉर्नफ्लेक्स हैं उन्हें हम क्रश कर लेंगे. आप मिक्सर में मत करिए क्योंकि मिक्सर में वो बहुत ही ज़्यादा पाउडरिश हो जाएगा. वी वांट लिटिल बिट यू नो, थोड़ा सा क्रंची क्रंची सा इफ़ेक्ट उसका रहना चाहिए. तो इसे मैं एक बैग में डाल रही हूँ. एंड अब घरेलू नुस्खा, इससे बीट करेंगे. परफेक्ट. तो मैं इन्हें कच्चे कॉर्नफ्लेक्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने जो कॉर्नफ्लेक्स का डब्बा एंड ऑल आता है हमारा केलॉग्स एंड ऑल का, वैसा नहीं लिया है मैंने. प्रॉपर जो अनकुक्ड होते हैं ना वैसा लिया है. इसे आप फ्राई कर सकते हैं, इसे आप लाइक बेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको फिर वो कुक्ड वाला कॉर्नफ्लेक मिलता है. तो ये कच्चे वाले कॉर्नफ्लेक्स है. ओके, इसमें कोई नमक नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब हमारी सीजनिंग के ऊपर होता है. इस प्लेट में हम कॉर्नफ्लेक्स को स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से. सीजनिंग के लिए इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, पिंच ऑफ सॉल्ट, नॉट मच, और इसे अच्छे से मिक्स करना है. सुपर. वैसे ही हम दूसरा प्लेट लेंगे जिसमें हम ओट्स ऐड करेंगे. ओट्स को भी आपको सीजनिंग अगर देनी है तो दे सकते हैं. ब्लैक पेपर, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, और इसे भी मिक्स करेंगे. सुपर. और एक और प्लेट लेंगे जिसमें हम ऐड करेंगे गेहूं का आटा. एक्चुअली नॉर्मली हम कोटिंग के लिए मैदे का आटा यूज़ करते हैं, लेकिन मैं नहीं यूज़ करना चाहती मैदे का आटा, इसलिए मैं थोड़ा सा गेहूं का आटा लूँगी. इसमें भी हम सीजनिंग करेंगे क्योंकि गेहूं के आटे की एक डिफरेंट स्मेल होती है जो कि वाजिब सी बात है आती है. तो दैट्स व्हाई आई एम एडिंग सम ब्लैक पेपर पाउडर एंड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट. इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे. यहाँ पर लिए मैंने टू एग्स जिसे विस्क करेंगे एंड थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे. तो चलिए मैं अभी आपको सारे हमारे जो कोटिंग इन्ग्रीडियंट्स है वो दिखाती हूँ. ये है हमारे रॉ कॉर्नफ्लेक्स, यहाँ पर है ओट्स जिन्हें सीजनिंग किया हुआ है, और यहाँ पर है गेहूं का आटा जिसे सीजनिंग किया है, एंड यहाँ पर है टू एग्स जिसमें सिर्फ सॉल्ट डाला है. चलिए अब करते हैं हमारा फाइनल प्रोसेस. तो यहाँ पर मैं अपने ओवन ट्रे पर बटर पेपर लगाकर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर रही हूँ. मैं कोई कच्ची घानी ऑयल वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल, क्योंकि कच्ची घानी का अगर कच्चापन रह गया देन आपके पॉपकॉर्न्स बहुत गंदे बनेंगे. आपके पास अगर स्प्रे है, ऑयल स्प्रे, देन डेफिनेटली यू कैन यूज़ दैट, उससे और ऑयल की यूजेज कम होगी. तो यहाँ पर मैंने मसाला लगा लिया, यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लगा लिया, इसे अच्छे से
डस्ट करना है एंड एग में डिप करना है. ओके, अगेन इसे इसमें लेकर आना है. एंड अच्छे से कोट होने देना है फिर से. इसी से आपको क्रिस्पीनेस मिलेगी आपके चिकन पॉपकॉर्न की. फिर से इसे डिप करना है एग में एंड इसे ले जाना है आपके ओट्स के ऊपर. ये ऐसे ओट्स से अच्छे से इसे कोट कर लेना है और इसे बेकिंग शीट पर प्लेस कर देना है. लुक हाउ ब्यूटिफुल. नाउ आई विल शो यू द कॉर्नफ्लेक वाला. फर्स्ट कोट विथ आटा, देन एग, देन अगेन आटा. इट इज अ लेंथी प्रोसेस बट आई अश्योर यू दिस इज गोना टेस्ट यम्मी. ओके, आटे से अच्छे से कोट हो गया फिर से. देन अगेन एग, नाउ इनटू आवर कॉर्नफ्लेक. प्रोसेस इज सेम, बस आपके जो ऊपर के क्रिस्प कोटिंग्स है दोज आर डिफरेंट. ओके, तो इसे अच्छे से कॉर्नफ्लेक से भी कोट कर लीजिए. एंड टाडा, लुक हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स. सो आई विल कंप्लीट द रेस्ट एंड आई विल कम बैक. तो ये देखिए, हमारे चिकन पॉपकॉर्न्स आर टोटली रेडी टू गेट बेक्ड. मैंने ओवन को प्री हीट करने रख दिया है ऑन 250 डिग्रीज एंड अब इस पर थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे. ताकि ये अच्छे से अंदर से कुक हो जाए एंड ड्राई ना रहे. तो ओट्स वाला मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ इसलिए मैंने उसे कम रखा है. अगर स्प्रे होता मेरे पास तो इट वुड बी लाइक वेरी इजी एंड लेस कंजप्शन ऑफ ऑयल, लेकिन वो है नहीं तो इसलिए मुझे ऑयल की ब्रशिंग ही करनी पड़ रही है. हेल्दी कम नॉन हेल्दी डिश है ये, लेकिन कभी अगर आप कुछ क्रेविंग कर रहे हो किसी ऐसी चीज़ के लिए जो कि आपको बाहर ही मिल सकती है, आप घर पर नहीं बना सकते, तो उसके लिए ये ऑप्शन इज़ द बेस्ट. अगर आपके पास एयर फ्रायर है देन वेल एंड गुड, आपका ऑयल का बिल्कुल भी कंजप्शन नहीं होगा क्योंकि एयर फ्रायर बहुत अच्छे से ऑयल फ्री फूड को भी कुक कर देता है. मेरी मजबूरी है कि मुझे ये ऑयल यूज़ करना पड़ रहा है. आई नो इट्स नॉट हेल्दी बट समटाइम्स मजबूरी के हाथों ये सब करना पड़ता है. सो दीज पॉपकॉर्न्स आर टोटली रेडी टू गो इन टू ओवन एंड आई कुक इट ऑन 180 डिग्रीज फॉर हाफ एन आवर. चलिए 30 मिनट्स लेटर. ये देखिए, हमारे चिकन पॉपकॉर्न्स आर रेडी. नाउ लेट्स हियर द क्रंच. Ow. Lovely. चलिए अब करते हैं मेरा सबसे फेवरेट काम जो कि है प्लेटिंग. Thank you.
चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। तो यह है ओट्स चिकन पॉपकॉर्न विद द डिप। वाओ, ये इसका टेस्ट कुछ डिफरेंट है। नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। आई डिडंट इमेजिन कि ये ओट्स वाला वर्क करेगा, बट इट डिड एंड आई लव इट। एंड चलिए अब कॉर्नफ्लेक वाले को खाते हैं। कॉर्नफ्लेक्स तो क्रिस्पी है और डिप का तो जवाब ही नहीं बॉस। छोटे बच्चों की तरह खाते हैं मैं। ये भी बढ़िया है, क्रिस्पी है। ये उतना क्रिस्पी नहीं है बट ये टेस्ट में A1 है। Guys, you should try it. I love it. Good job, Rohini. You have done a great job. बहुत बढ़िया बना। एंड वो जो मसाला लगा है पूरे चिकन पर, मुझे वो लिटरली पेरी पेरी चिकन की याद दिला रही है। मीन्स आई क्रिएटेड माई ओन पेरी पेरी मसाला। I'll make it in good quantity and store it in a container. यार मेरे को पीरी पीरी मसाला इतना पसंद है और इसका टेस्ट भी वैसा ही आ रहा है पीरी पीरी मसाले के जैसा। कोई डिफरेंस नहीं है KFC वाले चिकन पॉपकॉर्न्स में और मेरे होममेड चिकन पॉपकॉर्न्स में कोई फ़र्क नहीं है। सीरियसली कोई फ़र्क नहीं है। बस इतना है कि KFC वाले चिकन पॉपकॉर्न को फ्राई किया जाता है इंटू डीप ऑयल और मैंने इसे बेक किया है इंटू अवन। आई सक्सीडेड। Yeah! I love it. Chalo now, I'll enjoy this. Don't forget to subscribe my channel, Your Steady Cooks. Also, don't forget to like and comment ki aap log ko ye recipe kaise lagi. Mujhe zarur bataiye aur aap log bhi zarur try kariye. Zarur try kariye. Okay guys, please, I insist, aap log zarur try kariye ise. Chaliye guys, milte hain agle video. Till then, take care, love you all, Teddyans. Bye!